आज हम लोग मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का और एडिशन सब्ट्रेक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सेकंड वीडियो जो था उसमें हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आज थर्ड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तीन कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में आइए शुरुआत करते हैं सपोज करो जैसे कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे क्लास में मैथ का टीचर तुम्हें ऐसे मैट्रिक्स पढ़ा रहा था ठीक है और वो उसके बुक में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ ऐसा ऐसा फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फोर थ्री वन टू ऐसा उसके बुक में लिखा हुआ है मतलब जिस बुक से पढ़ा रहा था और तुम्हें बोला चलो एक मैट्रिक्स लिखो रो वाइज ठीक है रो वाइज मैट्रिक्स लिखो वो तुम्हें बोला रो वाइज लिखने के लिए तुम गलती से सुन लिए कॉलम वाइज ठीक है कॉलम वाइज तो क्या लिख दिए तुम फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फोर थ्री वन टू वो तुम्हें बोला रो वाइज लिखने के लिए तुम लिख दिए कॉलम वाइज जब टीचर तुम्हारा कॉपी देखा तो वो गुस्सा हो गया अरे मैं तो तुम्हें कॉलम वाइज रो वाइज बोला था तुम कॉलम वाइज लिख दिए ठीक है तो उसी बीच मैट्रिक्स आ गया मैट्रिक्स बोला कि नहीं बच्चन ने ठीक लिखा है कैसे ठीक लिखा है तब मैट्रिक्स ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया क्या बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को रो में चेंज कर दे तो उसने बोलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फिर सुनो अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दे कॉलम को रो में चेंज कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और लिखेंगे कैसे जैसे कि ये ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज है तो इसके माथे पे हम लोग टी से लिखेंगे ट्रांसपोज को या फिर मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था अब कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज क्या है प्रॉपर्टीज क्या है सपोज सपोज uh, नहीं अगर हम लोग ट्रांसपोज किए किसी मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकाल दिए तो क्या होगा वो खुद मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा ठीक है अगर ए एक बी मैट्रिक मैट्रिक्स से इसका अगर ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा सपोज करो ना कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है तो यहां भी माइनस ही रहेगा ठीक है उसके बाद उसके बाद ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ठीक है ये बेसिक प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा ठीक है जैसे इसको तुम स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है ये ए A, A एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है पी टी मतलब प्रूफ दैट ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ये तुम्हें प्रूफ करना है ठीक है तो ए बी का ट्रांसपोज ये निकालते हैं पहले ए बी निकालते हैं ए बी तो ए क्या है टू वन थ्री फोर वन जीरो और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे वन जीरो फाइव माइनस वन टू जीरो के साथ याद है मल्टीप्लाई कब होता है इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यही तरीका सिखाए थे हम टू इंटू वन टू वन इंटू जीरो जीरो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन टू इंटू माइनस टू माइनस टू वन इंटू टू टू थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो चलो ये भी सही है फोर इंटू वन फोर वन इंटू ज़ीरो जीरो ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर वन इंटू टू टू ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो मैं सेकेंड पार्ट में बनाया था उसका कॉन्सेप्ट उस अप्लाई कर रहे हैं ठीक है ठीक है ये क्या था ए बी था अब क्या निकालना ए बी का ट्रांसपोज करना यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो तो क्या हो जाएगा सेवनटीन फोर जीरो माइनस टू क्लियर सेवेंटीन फोर ये क्या था कॉलम था मैंने क्या किया रो कर दिया जीरो माइनस टू क्या था कॉलम था मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया तो ए बी ट्रांसपोज ये आ गया अब हम लोग यहां से निकालते हैं बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी ये है वन जीरो फाइव माइनस वन टू जीरो मैं डायड तो कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है बी ये है इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया ये जो कॉलम था इसको रो में लिख देते हैं यानी कि वन जीरो और फाइव फिर क्या है माइनस वन टू जीरो तो क्या हो जाएगा माइनस वन टू जीरो क्या हो गया बी का ट्रांसपोज हो गया अब क्या ए का ट्रांसपोज ठीक है ए का ट्रांसपोज कौन है ये ए है ए क्या है ये जैसे कि ये कॉलम है इसको रो लिख देते हैं तो क्या हो गया टू फोर फिर क्या है वन वन फिर क्या है थ्री जीरो क्लियर हुआ ना अब क्या करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है तो बी क्या है माइनस वन ज़ीरो फाइव माइनस वन माइनस वन नहीं प्लस वन यहाँ पे माइनस वन टू ज़ीरो ठीक है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे टू वन थ्री टू वन थ्री और फिर क्या फोर वन जीरो फोर वन ज़ीरो ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे वही है क्या इसका रो और इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो वन इंटू टू टू जीरो इंटू वन जीरो फाइव इंटू थ्री फिफ्टी माइनस वन इंटू फोर गलत बोला मैंने वन इंटू फोर फोर जीरो इंटू वन जीरो फाइव इंटू जीरो जीरो ठीक है माइनस वन इंटू टू माइनस टू टू इंटू वन टू जीरो इंटू थ्री जीरो ठीक है माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर टू इंटू वन टू जीरो इंटू वन जीरो इंटू जीरो जीरो ठीक है अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पंद्रह प्लस दो सत्रह फोर प्लस जीरो प्लस जीरो फोर माइनस टू प्लस टू जीरो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आए ठीक है अगर हम लोग गौर करें ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आया और ए बी का ट्रांसपोज क्या था ये था क्या ये दोनों इक्वल नहीं है देखो इसे देखो इक्वल नहीं है तो हो तो क्या प्रूफ करना था ना तो प्रूफ तो हम लोग कर दिए ना क्या प्रूफ हो गया ये ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इन टू ए का ट्रांसपोज क्लियर हुआ ना पक्का देखो मैंने अभी ट्रांसपोज पढ़ाया ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चन मैंने कराया ध्यान से देखो ठीक है जैसे स्क्रीन शॉट ले लो इसका फिर देखो ए एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है ना क्या है कॉलम वाइज अगर हम रो वाइज देखें थ्री माइनस वन वन माइनस वन टू फाइव वन फाइव माइनस टू तुम क्या करो ट्रांसपोज करो करो अच्छी बात है करो ट्रांसपोज करो ट्रांसपोज करो ए का ट्रांसपोज करो तो क्या हुआ ट्रांसपोज क्या होता है ये जो कॉलम है थ्री माइनस वन वन इसको हम क्या करेंगे रो में कन्वर्ट कर दिए थ्री माइनस वन वन माइनस वन टू और फाइव देखो माइनस वन टू और फाइव फिर क्या है वन फाइव और फिर क्या है माइनस टू जब हमने रो को कॉलम में कॉलम को रो में लिखा मतलब ट्रांसपोज किया तो मैंने जब देखा कि पहले जो मैट्रिक्स था अब भी वही मैट्रिक्स है देखो सेम है ना सेम है ना यानी कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसका हम लोग ट्रांसपोज किए और वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे क्लियर हुआ नहीं बातें हुआ ना अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे ठीक है देखो एक मैट्रिक्स है ना एलिमेंट क्या है अगर हम रो वाइज देखें जीरो टू माइनस थ्री हमने क्या किया ना इसको कॉलम वाइज लिख दिया क्या कर दिया कॉलम वाइज जीरो टू माइनस थ्री माइनस टू जीरो और फाइव चलो थ्री माइनस फाइव और क्या है जीरो है क्या किया हमने ट्रांसपोज किया इसका ट्रांसपोज किया फिर मैंने देखा कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले अगर अगर हम माइनस कॉमन ले ले कॉमन ले ले अगर हम माइनस तो देख रहे हैं हम कि कॉमन लेने के बाद वो तो पहले वाला ही एलिमेंट आ रहा है पहले वाला मैट्रिक्स आ रहा है देखो तो ये मैट्रिक्स आ गया ना ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर आ गया ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ठीक है तो क्या था कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो देखें कि माइनस साइन के साथ पहले वाला मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ये बात क्लियर हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगनली जो, जो एलिमेंट होते हैं ना वो हमेशा जीरो होते हैं डायगनली जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं कैसे जैसे देखो ए आई जे कोई एलिमेंट का पोजीशन जो है आई रो और जे कॉलम है तो ये जब हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है ए जे आई ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ए आई जे प्लस ए जे आई इज टू जीरो आई और जे इसमें तो सेम होता है ना ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना है ना तो क्या है कि रो और कॉलम सेम है यानी कि आई इज इक्वल टू जे है आई इज इक्वल टू जे है तो यहां हम नहीं लिख सकते आई आई फिर यहां भी आई आई इज इक्वल टू जीरो टू ए आई इज इक्स टू जीरो आई आई इज इक्वल टू जीरो सॉरी ये टू क्यों निकले हम क्या हो गया जीरो हो गया अब यहां पे तुम कुछ भी रखो i की जगह पे वन i की जगह पे वन ए वन वन जीरो ए टू टू जीरो ए थ्री थ्री जीरो तो ये एक प्रूफ था क्या कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं जीरो होते हैं ठीक है देख लो एक बार ये क्वेश्चन है क्या है ये एक मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है द फाइंड ए बी सी ये क्या है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या जानते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए जानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन ठीक है ये है बिल्कुल है ये जो है आ, आ, किसका है ट्रांसपोज है ना तो जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो ठीक है ये भी ठीक है माइनस वन के साथ तो अब अगर हम लोग आ, ए, ए, क्या करते हैं अगर इसको हम लोग ये जो माइनस है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके भीतर तो क्या आएगा जीरो माइनस टू माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस वन और माइनस थ्री माइनस वन जीरो प्लस वन इज इक्व टू ये इक्वस टू क्या ये जीरो ए थ्री

तो क्या होगा बी प्लस बीज इक्व टू जीरो यानी कि टू बीज इक्स टू जीरो देखो ये जो डायग्रोन है ना डायग्रोन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये ये मैट्रिक्स है तो ये बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवा दिया देख लो जरा सा इसको ठीक है थोड़ा सा ब्लू पेन लाइट हो गया है ना देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सम्रिक एंड एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी वो एज matrix क्या है ए एक square matrix है। इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे करके तो ए ही आएगा।, आएगा बिल्कुल आएगा अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज ये मैंने अपने मन से लिया तो एक सबटैक भी करना पड़ेगा और प्लस हाफ है कोई दिक्कत कोई सुविधा कोई परेशानी नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं चलो इसको हम हाफ कॉमन ले लिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ हाफ कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं क्या ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं इसको पूरा को ये जो पूरा को क्या मानो मान लो ना इसको Stop. मानो और इसको क्यू मानो मान लो मान लो ए क्या पी ए प्लस क्यू पी क्या माने थे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माने थे पी अगर हम पी का ही ट्रांसपोज लें तो इन सब का ट्रांसपोज निकालना होगा ठीक है चलो हाफ तो बाहर आ गया ये क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो ये क्या होगा अब मैं तो मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा ए का ट्रांसपोज तो ए ही रहेगा ए का ट्रांसपोज ही रहेगा और याद है मैंने अभी कुछ देर पहले जब ट्रांसपोज पढ़ा रहा था तो मैंने क्या लिखा था ए बी का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अगर मान लो बी का ही ट्रांसपोज है तो ये क्या होगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी याद है ना मैंने बताया था क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकाल के दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले वाला मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा हाफ ये आ, जायेगा? आ हाँ गया चलो अब Q क्या माने थे हम यहां पर देखते हैं क्यूज क्या है? था हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज चलो क्यू का ट्रांसपोज अगर निकाले अगर तो क्या आ जाएगा यहां भी वैसे ही लिखना पड़ेगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज तो हाफ तो बाहर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यहां भी क्या होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा ए अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हाफ माइनस देखो पहले वाला आ गया ना। तो पी क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यूब क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए जो है वो सम नहीं है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जरा फिर से देखो फिर से देखो क्या था कि ए जो है ए को हम लोग पी प्लस क्यू को फॉर्म में लिखे ऐसे पूरा ला करके फिर मैंने पी का ट्रांसपोज निकाला तो क्या देखा जब मैंने ट्रांसपोज निकाला तो वो पहले वाला ही आया पी का ट्रांसपोज क्या आया पी ही आया था पी का ट्रांसपोज क्या आया था P ही आया था और Q का ट्रांसपोज क्या आया था माइनस क्यू आया था आया था ना P का ट्रांसपोज का क्यूपोज क्या आया? तो तो ये तो Q हो गया ये हो गया यानी मैट्रिक्स था उसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा था लिख सकते हैं ये वाला ना अच्छा उसके बाद है एक यूनिकनेस है ठीक है Uh, क्या है देखो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यूब पी क्या है सिमेट्रिक क्यूब क्या है S q सिमेट्रिक ठीक है q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज निकाल है, पूरा का ए का ट्रांसपोज पी प्लस क्यूब का ट्रांसपोज तो क्या आएगा पी का ट्रांसपोज प्लस क्यू का ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज पी ही रहेगा और क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस क्यू हो जाएगा क्यों क्योंकि क्यूब जो है वो क्या है एक है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा ए का ट्रांसपोज ठीक है ठीक है ना ए ये था ए ट्रांसपोज ये आया देखो जरा से एक बार ए जो क्वेश्चन क्या है पी प्लस क्यूब ए का ट्रांसपोज क्या आया पी माइनस क्यूब अगर हमको पी निकालना हुआ P निकालना हुआ तो P क्या आ जाएगा अगर हम लोग पी निकाले अगर तो ये क्या आ जाएगा देखो तो जरा सा P P नहीं पहले पहले Q निकाल लेते हैं हाँ, पी ही सही है तो क्या हो गया हाफ A प्लस ए का ट्रांस बेसिक बात है ना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो जो क्लास टे, टेन में पढ़े थे नॉर्मली तुम इसको क्या करोगे ऐड करोगे देखो ये तरीका था ना इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्यू क्यूब कट गया तो क्या हुआ टू पी ये क्या होगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो पी जो कॉस ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं हो गया और पी के वैल्यू अगर हम रखें या फिर यूं कह लेना अगर हम लोग माइनस करेंगे अगर तो पीपी क्यू क्यू टू क्यू हो जाएगा तो क्यू जो कॉसू क्या आ जाएगा हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये एक यूनिकनेस था ठीक है आ, ये मैंने प्रूफ किया अब इसके ऊपर ये क्या प्रूफ एग्जाम में आता है नहीं आता है बिल्कुल नहीं आता है ये मैंने जस्ट ऐसे ही आ, किया इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है हम लोग को इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको पूरा करा दू ठीक है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है फिर भी नॉलेज के लिए मैंने इसको पढ़ा दिया दे। देख लो एक बार जैसे स्क्रीन शॉर्ट ले लो देखो ये क्वेश्चन है ठीक है यह क्वेश्चन है ये एक मैट्रिक्स है इसको एक्सप्रेस करना, करना है है ठीक तो इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं कि ये एक आ, मैं प्रो क्वेश्चन नहीं लिखा मैं इसको मान लेता हूं कि ये ए है एक मैट्रिक्स है तो यहां पे हम क्या करते हैं ना एक ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इस जगह पे ठीक है इस जगह पे ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं देखो ये मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा इसी क्वेश्चन पे जितना इस तरह क्वेश्चन बनेगा सब सेम होगा ऐसे ही क्वेश्चन होगा ठीक है ऐसे ही सॉल्व होगा देखो ये ए है ए का ट्रांसपोज यानी क्या है ये जो कॉलम है इसको हम रो में लिख देते हैं तो क्या होगा थ्री थ्री वन माइनस टू माइनस टू वन माइनस फोर माइनस फाइव और टू ठीक है बिल्कुल ठीक है उसके बाद क्या निकालेंगे हम एक बार ए प्लस ए का ट्रांसपोज और एक बार ए माइनस ए का ट्रांसपोज ठीक है ए प्लस ए का ट्रांसफर मतलब इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स को ऐड करना है तो थोड़ा तो मैं डायरेक्ट करता हूं देखो तो थ्री और यहां पे क्या है थ्री तो थ्री प्लस थ्री सिक्स अच्छी बात है माइनस टू प्लस थ्री क्या होगा थ्री माइनस टू वन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फाइव और प्लस वन माइनस फोर वन प्लस माइनस फोर माइनस थ्री वन माइनस फोर टू और टू फोर ये निकल के आए ए प्लस ए का ट्रांसपोज अब जब एक ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब थ्री माइनस माइनस थ्री जीरो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव थ्री माइनस माइनस टू प्लस फाइव माइनस टू ये तो जीरो हो जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स वन माइनस माइनस फोर प्लस फाइव वन और फाइव सिक्स हो गया टू और माइनस टू ये भी जीरो हो जाएगा ठीक है चलो ठीक है देखो यहाँ पे डायगोनल सब एलिमेंट क्या है जीरो है ना मतलब ये ये पक्का क्या होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ठीक है चलो ठीक है अब क्या करते हैं ना कि वन बाई टू लेते हैं यहां पे मतलब वन बाय टू मतलब टू से डिवाइड कर देते तो हैं बेसिकली तो टू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा थ्री ये क्या आएगा वन बाई टू यह क्या होगा माइनस थ्री बाई टू यहां पे क्या आएगा वन बाई टू माइनस टू माइनस टू यहां पे क्या आएगा माइनस थ्री बाई टू माइनस टू और टू क्लियर ये बातें यहां भी करते हैं हाफ ले लेते हैं हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ठीक है बेसिकली टू से डिवाइड करना है यहां भी तो क्या होगा जीरो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू जीरो माइनस थ्री फाइव बाई टू थ्री और जीरो क्लियर ये बातें इसको हम बोल देते हैं क्यूब इसको बोल देते हैं पी अगर हम लोग P का ट्रांसपोज निकाले इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या होगा देखो तुम P का ट्रांसपोज क्या होगा देखो थ्री वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू ये क्या है रो है कॉलम में लिख देंगे थ्री वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू ये क्या होगा वन बाई टू माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री बाई टू माइनस टू माइनस टू नहीं प्लस टू है यहाँ पे तो क्या तुम देख पा रहे हो कि uh, मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया क्या कुछ चेंजेस हो रहा है देखो कुछ भी चेंजेस है क्या कुछ भी चेंजेस है क्या नहीं है ना तो ये पी ट्रांसपोज क्या होगा हो मतलब क्या होगा मैट्रिक्स हो गया ना नाट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा सी मुंह से बोल रहे लिख नहीं रहे ये क्या होगा सीमेट्रिक मैट्रिक्स यहां भी निकाल लो क्यों का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा देखो ये कॉलम में है रो में हो जाएगा तो क्या होगा जीरो फाइव बाई टू फाइव बाई थ्री फाइव बाई टू जीरो थ्री माइनस फाइव बाई टू अच्छा ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा है यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रहा है माइनस टू देखो ये माइनस मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ था मेरा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस फाइव बाई टू और माइनस फाइव बाई टू माइनस थ्री और जीरो ठीक है ठीक है ना अगर हम लोग इसमें से माइनस निकाल ले इसमें से माइनस निकाल ले तो क्या हो जाएगा माइनस देखो जीरो माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई ये थ्री क्यों हो गया यहां पर टू होगा ना टू ये क्या होगा प्लस फाइव बाई टू जीरो माइनस थ्री यहाँ क्या होगा फाइव बाई टू प्लस थ्री और जीरो देखो कुछ चेंजेस आ रहा है क्या इसमें और इसमें मतलब क्या हो गया ये क्यूट ये क्या हो गया ये Q transpose is to minus Q, कि क्या हो गया? -Q symmetric matrix, क्या ये था symmetric matrix, symmetric matrix, symmetric matrix. हम दोनों को अगर कर दे। जगह नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कर रहे हैं P प्लस क्यूब P और Q को ऐड कर दे P बेसिकली क्या था ये है क्यूब क्या है ये है इन दोनों को हम ऐड कर दे तो थ्री प्लस जीरो क्या होगा थी थ्री प्लस जीरो क्या होगा थी वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू क्या होगा माइनस फोर बाई टू और माइनस फोर बाई टू क्या होगा माइनस टू माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू क्या होगा माइनस एट बाई टू यानी कि माइनस फोर ठीक है हाफ प्लस फाइव बाई टू क्या होगा सिक्स बाई टू यानी कि थ्री माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव फाइव बाई थ्री अरे यहां पे थ्री क्यों होगा टू होगा तो ना बोलते नहीं हो बताया करो ये वहां पे गलती से लिख दिए आप वहां पे टू होगा तो माइनस थ्री बाई टू फाइव बाई टू क्या होगा टू बाई टू यानी क्यू वन वन माइनस टू माइनस थ्री क्या होगा वन टू और जीरो क्या होगा टू देखो तो p प्लस क्यूब ए नहीं आया ए नहीं आया आ गया ना देखो आ गया ना ए? तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, फॉर्म में, करना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया बेसिक इससे पहले जो मैं प्रूफ पढ़ाया था यूनिकनेस वाला वही तो मैंने अप्लाई किया है ना यहां पे क्या आया था यहां क्या सिमेट्रिक आया था ये पी सिमेट्रिक है क्यूब एसक्यू सीमेट्रिक ए तो ही है तो एक्सप्रेस कर दिया हमने और प्रूफ भी हो गया है ना चलो ये क्लास यहीं पे खत्म होता है और हमने एक तो बार तुम लोग तो देख लो स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो ठीक है इसका अच्छा तो ये हम लोग क्या खत्म किए हम लोग ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है और आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो क्या होगा ऑफ इन्वर्टिवल मैट्रिक्स और वो लास्ट पार्ट होगा हम तीन पार्ट का बात किए थे लेकिन एक पार्ट और बन जा रहा है ठीक है मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में हाँ